आज हम ये समझने वाले हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम के बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा वीडियो होने वाला है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का पार्ट है नहीं, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस इज फाउंडर। बिटकॉइन का जो फाउंडर है दैट इज सतोशी नाकामोटो, एंड इथेरियम का जो फाउंडर है दैट इज विटैलिक ब्यूटेरियन, ओके, एंड दैट इज वी बाय द वे, इट्स नॉट आर। और सिर्फ विटैलिक ब्यूटेरियन नहीं है इसका फाउंडर, इसके साथ उसका टीम भी है, इसीलिए यहाँ पे विटैलिक ब्यूटेरियम एंड अदर्स लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट इज पर्पस। बिटकॉइन का पर्पस क्या है? ट्रांजैक्शन इन क्रिप्टो करेंसी या बेसिकली क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, ये बिटकॉइन का पर्पस है। और इथेरियम का क्या पर्पस है? देखो, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग या ट्रांजैक्शन इन क्रिप्टो करेंसी ये सब इथेरियम के अंदर होता ही है, बट उसके साथ साथ इथेरियम अलग अलग नेटवर्क सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है, तो वो उसका मेन पर्पस है, राइट। थर्ड इज रिलीज डेट। बिटकॉइन जो है वो जनवरी 2009 में रिलीज हुआ था, एंड जो इथेरियम है वो अभी रिलीज हुआ था, विच वॉज जुलाई 2015। नेक्स्ट फोर्थ, एवरेज ब्लॉक टाइम, मतलब बिटकॉइन के अंदर एक ब्लॉक बनने के लिए कितना समय लगता है। बिटकॉइन के अंदर एक ब्लॉक बनने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद इथेरियम के अंदर एक ब्लॉक बनने के लिए अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 सेकेंड लग जाते हैं, राइट। उसके बाद जो बिटकॉइन का कॉइन सिंबल है दैट इज BTC, एंड जो इथेरियम का कॉइन सिंबल है दैट इज ETH। उसके बाद नेक्स्ट इज टोकन्स। बिटकॉइन के अंदर टोकन्स अवेलेबल नहीं है, और इथेरियम के अंदर टोकन्स अवेलेबल है, और इसके बारे में हमने पढ़ा था, ओके। नेक्स्ट इज ब्लॉक लिमिट। बिटकॉइन के अंदर एक ब्लॉक 1 MB का हो सकता है या 1 MB तक हो सकता है, और इथेरियम के अंदर ब्लॉक की कोई लिमिट नहीं होती। नेक्स्ट इज हैश अल्गोरिदम। बिटकॉइन के अंदर SHA-256 हैश अल्गोरिदम यूज़ किया जाता है, एंड इथेरियम के अंदर, अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं आई हैव नो आइडिया, बट बेसिकली दिस 256 ये हैश अल्गोरिदम यूज़ किया जाता है इथेरियम के अंदर। नेक्स्ट पॉपुलैरिटी। बिटकॉइन जो है वो मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है, और जो इथेरियम है दैट इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी। लास्ट टोटल कॉइन सप्लाई। देखो, बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन तक ही माइन किए जा सकते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही हो सकते हैं, एंड द सप्लाई ऑफ इथेरियम इज अनलिमिटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।